नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, रोनिश व्लॉग्स पे आपका स्वागत है। मोगा टू बठिंडा आज हम चल रहे हैं सोलो मोटो व्लॉग और रिकॉर्डिंग हो रही है अपने एसजे कैंप से। मोगा टू बठिंडा जो डिस्टेंस है टोटल वो है 100 किलोमीटर, क्योंकि हम जाएंगे नेशनल हाईवे 54 से। तो इधर है ड्राइविंग ट्रैक जो कि सिंगावाला में है। ये एक विलेज है मोगा से। जब हम बठिंडा की तरफ जाते हैं तो पहला गाँव जो आता है वो आता है सिंगावाला। तो ये लिस्ट है, राइट साइड पे आप देख सकते हो, बागा पुराना स्माल सरकोट पूरा होते हुए हम जाएंगे बठिंडा। तो ये है दोस्तों सिंगावाला विलेज। इसकी रिक्वेस्ट की थी हमें 2-3 लोगों ने, जिनके की नाम है मैं नीचे डाल दूँगा। तरसेम सिंह, गुरपाल सिंह, मेरे को 2 ही आने थे। ओ भाई देखो अभी ठोक देने किसी ने गाड़ी, बीच में खड़ी कर दी ला के। तो ज़्यादा बड़ा बाजार नहीं है हाईवे के ऊपर, दोनों साइड पे जैसे आम नॉर्मल शॉप्स होती हैं वैसे ही हैं, लेकिन ये गांव काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मोगा डिस्ट्रिक्ट का वो जो ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले ट्रेनिंग होती है ना, जो टेस्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट, वो यहाँ पे है ट्रैक, इसलिए सिंगावाला इज़ इम्पोर्टेंट। ये है सरकारी स्कूल। तो इसके बाद यहाँ से एक शॉर्टकट निकलता है स्मालसर से पहले, तो वो शॉर्टकट हम नहीं लेंगे क्योंकि वो शॉर्टकट गांव के अंदर से जाता है, जैसे कि वैरो के ऐसे कई गांव आते हैं, गांव की फिरनी घूम घूम के फिर जाता है वो। उससे हमें 10 किलोमीटर का फ़ायदा होगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम सीधा नेशनल हाईवे पर चलेंगे 54 पे। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में बागा पुराना की एंट्री पे। तो बागा पुराना तो अभी दूर है, ये टोल नाका आया, मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दें। टोल टैक्स जहाँ पे देते हैं हम तो टोल नाका ही बोलते हैं तो अपने पास तो बाइक है तो हम तो जाएंगे फ्री में, लेकिन जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ से 56 रुपीस देने पड़ेंगे। ये है जी, इसको सिंगावाला टोल टैक्स बोलते हैं। तो अब मैं पहुंच गया हूं जी बागा पुराना की एंट्री पे। तो बागा पुराना भी थोड़ा बड़ा है शहर, और इसको शहर कह सकते हैं, गांव नहीं कह सकते, इसको शहर कह सकते हैं। यहां पे हर चीज़ अवेलेबल है तो शहर ही हो जाता फिर। ये भी एक तहसील भी है बागा पुराना, यहां पे डिस्ट्रिक्ट भी बना हुआ मेरे साथ, तो तहसील ऑफिसर होता है, ऑफिस होता है वो भी बना हुआ। ये बागा पुराना का बाज़ार मार्केट, इसकी भी रिक्वेस्ट हमें की थी, उनके नाम मैं भूल गया भाई, तो जब मैं एडिट करूँगा ना तो उनके नाम मैं डाल दूँगा नीचे। एम्बुलेंस ऐसा ना, वो वॉइस ओवर करते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता, जो रिकॉर्डिंग में मज़ा आता ना ऐसे वॉइस ओवर में फिर जैसे अब मुझे फील आ रहा है सब, गाड़ी आ रही है, बाइक जा रही है, मेरी स्पीड कितनी। ओ भाई साहब अभी 3D जंप लगता मेरा। तो ये जो फीलिंग है ना, ये वॉइस ओवर में नहीं आती। वॉइस ओवर में तो कुछ रह जाए बता रहा हो तो फिर वो कर देता हूँ, बाद में घुसेड़ देता हूँ अंदर। तो ये है जी बागा पुराना का बाज़ार। जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनके लिए ये बाज़ार है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा बाज़ार है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो फिर बनाऊँगा, बागा पुराना को अलग से दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये सारे देखो दुकानें तो कुछ नई भी हैं कुछ पुरानी भी हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को वो क्या कहते हैं रीनोवेट कर लिया। लाल हट ये आएगा जिसका मेन चौक। इधर लेफ्ट में जाएंगे तो मेरे ख्याल से निहाल सिंह वाला, राइट में जाएंगे तो पता नहीं कौन सा है, सीधा जाएंगे तो हम जाएंगे स्मालसर, जो कि हमें सीधा ही जाना है। तो इन रोड का सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ से अब नेशनल हाईवे 16 शुरू हो जाता है। ये स्टेट हाईवे 16, सॉरी, ये बस स्टैंड आ गया लेफ्ट साइड पे अपने बागा पुराना का। और यहाँ पे भी अब बहुत ऑयल सेंटर बहुत खुल गए हैं, काफ़ी अच्छा बाज़ार है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा बाज़ार है, सफिशेंट है, मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर।
एक विकसित शहर कह सकते हो भाई। अपना तो पहले ही चालान कटा हुआ भाई साहब। तो ये जी बाघा पुराना जो कि नया बन गया है। ये देखो ये आयल सेंटर देखो कितने भाई साहब, इंग्लिश स्टूडियो, पेट्रोल पंप, इंग्लिश सीखो कनाडा जाओ। ये देखो कहाँ, यहाँ भी है। ये देखो आयल इंग्लिश इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया। इंग्लिश तो देखो एक प्लस पॉइंट ही है, जितनी आपको भाषाएं आ जाएं उतना ही अच्छा है। इंग्लिश तो वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही जब आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो इतना ही है बाघे पुराने का बाज़ार। तो अब हम आगे चलते हैं। ये क्या आ गया, सरकारी बिल्डिंग से लग रही है। चलो कोई बात नहीं, गंगा रिजॉर्ट होटल सवेरा। तो चलो फिर मिलता हूँ आपको समालसर के पास से। तो ये पहुँच गए जी हम समालसर। तो बाघा पुराना से दिखा रहा था कि 72 किलोमीटर है बठिंडा, अब यहाँ से थोड़ा और कम रह गया होगा। अभी हम नेशनल हाईवे 16 पर ही हैं और ये है समालसर। ये इसको बाघा पुराना से थोड़ा सा छोटा शहर कह सकते हैं हम। तो अब स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट होगा। मौसम बढ़िया है, थोड़ी सी धूप है, थोड़ी सी छांव है, कहीं कहीं ठंडी हवा आ जाती है, कहीं कहीं गर्म हवा आ जाती है। सफ़र करने के लिए बढ़िया वैसे। मेरे को तो वैसे भी गर्मी लगती नहीं है, जब मैं बाइक पे बैठ जाता हूँ ना तो भाई नो गर्मी, क्योंकि चलते चलते कम गर्मी लगती है ना। ये अंदर मार्केट है ना, ये अंदर बना हुआ है। ये भी देखूंगा अगर मेरे को लगा कि, वैसे समाल सर की किसी ने रिक्वेस्ट तो नहीं की, चलो नहीं की फिर भी देखो। समाल सर, हेलो समाल सर वालों। तो ये भाई जाम लगवाएगा भाई साहब, इतना लंबा ट्रक लेके कहाँ जा रहे हो भैया। एक दो तीन चार पाँच 10 टहरी है ना भाई। चलाने वाला कितना है ना जबरदस्त होगा ड्राइवर। काफी लंबा है ना स्मॉल सर्विस, कहाँ तक, कहाँ से शुरू हो रहा, अभी तक चल ही रहा है। स्मॉल सर के बारे में मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर इससे पहले वो जो शॉर्टकट था वो निकल गया, मैं दिखाना भूल गया आपको यार। अब मैं आपको मिलूंगा कोटपुरा बाईपास पे, वहाँ पे ब्रेक लेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो ये रही अपनी चाय। एक घंटा हो गया पूरा निकले हुए मुझे, क्योंकि मैं मस्त टहलते टहलते आया। ये सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हो, ये जाता है फरीदकोट की तरफ। जब आप बठिंडा से आओगे ना तो सीधा फरीदकोट को ले जाएगा। और भाई साहब क्या सुंदर बना रखी है ना, मैं ये देख रहा था। देखो भाई बोल रहा 10,000 रुपया खर्चा आ जाता है इस पे। मैं कहा 10,000 तो बहुत ज़्यादा ही यार, क्योंकि एक्चुअल में तो है तो फ्री है सारा कुछ, लेकिन कोई तो इसको काट के बराबर करता होगा ना, फिर बेचने के लिए लाता होगा। यहाँ पे आवाज़ आई नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुई, हम बातचीत कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं चाय के साथ साथ अपनी वीडियो भी बना लूं। तो ज़्यादातर मेरा गेटअप यही रहता है ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि सारे कपड़े डालो ना तो फिर हर कपड़ा ख़राब हो जाता है मिट्टी से। तो यही ड्रेस है मेरी ड्राइविंग पे, मैं यही ड्रेस डालता हूँ ज़्यादातर, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट। इसकी मेरे को झोंपड़ी बहुत अच्छी लगी थी, मैं वो देख रहा था। ये जो आपको मैंने अभी दिखाया, हम जा लेंगे राइट को, राइट को बठिंडा, लेफ्ट को फरीदकोट।
भाई साहब हाईवे इतना मस्त है ना, इतना शानदार कि मेरे को पता ही नहीं चला कब मैं गोनियाना पहुंच गया। तो गोनियाना शहर में तो नहीं, क्योंकि हम नेशनल हाईवे पे हैं, तो ये गोनियाना के साइड से निकल जाता है। अगर आपको गोनियाना जाना है तो फिर आपको इसके नीचे उतर के राइट को टर्न करना होगा। अगर आप बिना टोल के आओगे तो फिर आप जैतो गोनियाना होके आओगे, जो कि बिना टोल के है। तो वो पुराना जैसे पहले बना हुआ था वैसे ही है वो, उस पर भी आ सकते हो आप। लेकिन ये तो मेरे को मस्त लगा भाई, टोल के पैसे देना कोई ज़्यादा नहीं है। तो टोल टैक्स आ गया जी हमारा वो नहीं आने वाला। यहाँ पे लगा था टोल टैक्स हमको 120 रुपए शायद, जाते वक्त 120, वापसी पे 75 जब मैं गाड़ी में आया था। लेकिन गाड़ी ने इतनी अच्छी एवरेज दी ना, और कोई क्लच नहीं, कोई यूज़, कोई ब्रेक का नहीं इस्तेमाल, मज़े से गई बाइक। नॉर्मली मैं, ओ भाई साहब, बाइक नॉर्मली मैं 50-60 पे चलाता हूँ, तो अब मैं आया हूँ 70-75 पे। मस्त रोड है भाई एकदम। मतलब मेरे को पता ही नहीं चला यार कब इतनी जल्दी पहुंच गया मैं यहाँ पे। मेरे को लगता है चाय पीने के बाद आधे घंटे में पहुंच गया यहाँ पे भाई। तो ये हो गई जी अपनी बठिंडा में एंट्री तो नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि बठिंडा के पास पहुंच गए। तो जिसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है वो है चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अच्छी लगेगी। कोई खड़ा तो नहीं है भाई? नहीं खड़ा, चलो। वैसे अपने पास पूरे हैं कागज़, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ना वो आते हैं चिमनियाँ चार, वो देख रही राइट साइड पे भाई, बहुत अच्छा सीन लगता है। एक बार मैं सुबह आया था, 6:30-7 बजे का टाइम था, क्या ऊपर बादल। उसकी मैंने शॉट भी डाली थी, हाँ दूसरे चैनल पे गलती से डाल दी थी, उसकी मैंने शॉट भी डाली थी। इसमें बहुत ही अच्छा व्यू था, वो चेक करना अगर आप देख सको तो। वो आ गए राइट साइड पे, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको क्लोज से पास जाके। तो इस वीडियो को तो हम बस एंट्री के बाद तक रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा आगे का हिसाब तब। तो अभी हम बठिंडा में कर गए हैं एंट्री, एक हिसाब से शहर तो अभी आया नहीं, मेन चौक तो आया नहीं, अभी आएगा अभी मेन चौक भी। हो सकता है इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। वो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना भाई, ऐसे अलग ही दिख रहे हैं, भीमकाय हाईवे का तो भाई आनंद ले लिया मैंने पूरा। और इसके साथ ना ये जो बने हुए हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, टावर से चिमनी सी, इसके आसपास झील है पानी की, वो भी बहुत अच्छा सीन है, मैंने देखा हुआ है पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। एक बार रिकॉर्ड भी किया था मैंने, लेकिन वो मेरा सारा ही डिलीट हो गया। तो ये हम पहुंच गए हैं पास में, ये जो चौक है ना, जो बठिंडा की एंट्री है, बड़ी कंफ्यूजिंग है नए लोगों के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगर आपको बाई चांस आना पड़े तो। इसको भी मैं नीचे लगा दूंगा, आप देख लेना कौन सा कितने किलोमीटर है। राइट साइड पर पड़ गए वो सारे चिमनियाँ अपनी। तो अभी हम यहाँ पे आएगा एरोप्लेन, फाइटर जेट वाला चौक, वो आ गया। हाँ ये भी बहुत मस्त सीन है भाई। अभी ना धूप मेरे ओपोजिट है इसलिए थोड़ा सा ना, कितना सुंदर लग रहा देखो। इसको भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ लगाने की। तो ये ब्रिज इसलिए कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि
ये लेफ्ट पे ना ऐसे लग रहा है जैसे ब्रिज चढ़ रहे हैं, लेफ्ट पे बठिंडा सिटी है और सीधा जाओगे तो अम्बाला है। तो ये देखो यहाँ से ऐसे है ये, बल्कि ये ऊपर लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये ब्रिज के नीचे से जाएगा ऐसे, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे। इस तरफ रोज़ गार्डन भी है लेफ़्ट साइड पे, मैंने अभी देखा नहीं है, देखेंगे अभी आपके साथ ही देखूंगा मैं अभी। तो ये आ गया जी लेफ़्ट साइड पे रोज़ गार्डन। ये रोज़ गार्डन की रोड अच्छी बनी हुई है। हमने जाना है बठिंडा शहर, तो हम जाएंगे राइट। ये आ गया जी बठिंडा सिटी, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुँच गए हैं, और ऐसे लगातार मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। जो जो आप शहर देखना चाहेंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक भगवान ने चाहा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग हो सकता है मॉल रोड का हो सकता है चिमनियों वाला हो। तो लेट्स सी, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।